हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर बॉट। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में विंडोज़ की टिप्स एंड ट्रिक्स जो है आप सभी के लिए लेके आए हैं। वीडियो में हम जानेंगे किसी भी इमेज के अंदर कोई भी डेटा हम कैसे छुपा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। आप किसी भी फाइल को अगर हाइड करना चाहते हैं किसी फोटो के अंदर, तो आप कैसे करेंगे? ये सारी की सारी टेक्निक जो है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस फोटो को देखिए, ठीक है। जनरली एक फ़ोटो ही है, कोई भी देखेगा तो ये फ़ोटो ही लगेगी क्या, ये फ़ोटो ही है। लेकिन इस फोटो के अंदर हमने डेटा हाइड किया हुआ है, ठीक है। अब हमें इस फोटो के अंदर से डेटा को निकालना है और देखना है कि वाकई में इस फोटो के अंदर डेटा हाइड है या नहीं। डेटा निकालने के बाद हम ये इस फोटो को बनाना सीखेंगे। इस फोटो के अंदर कैसे हमें डेटा को छुपाना है। इस फोटो के अंदर नहीं, आप किसी भी फोटोज के अंदर जो है डेटा छुपा सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको इस इमेज की आपको प्रॉपर्टी शो कर देता हूं, जिससे कि आपको ये ना लगे कि ये वीडियो फेक है। तो देखिए, आप यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छे से आप इस फाइल के बारे में देख सकते हैं फ़ाइल क्या है। अब मैं इस फ़ोटो के अंदर से डेटा निकालता हूँ, तो सिंपली मेरे को इसको रीनेम करना है और लास्ट में डॉट JPG की जगह मुझे डॉट RAR करना है, यस कर देना है और एक बार रिफ्रेश कर देना है, ठीक है। अब ये देखिए, अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, है ना फ्रेंड्स, यकीन नहीं हो रहा ना। अब देखेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले तो हम इस बात को जानते हैं, अब हमें डेटा अनहाइड करना है। अनहाइड तो कर दिया, ठीक है, हमने देख लिया डेटा क्या है। अब मेरे को इसको वापस हाइड कर देना है, तो सिंपली मैं इसको दोबारा से रीनेम करूँगा। बस क्या कर देना है लास्ट में, RAR की जगह डॉट JPG करके मेरे को एंटर कर देना है और यस कर देना है, तो इमेज जो है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है डेटा को अपने फ़ोटो के अंदर हाइड कर सकते हो। फ्रेंड्स, बहुत कम लोग इस ट्रिक के बारे में जानते हैं, लेकिन आज आप सभी जान जाएंगे कि कैसे किसी भी इमेज के अंदर डेटा को कैसे हाइड किया जाता है। बहुत सिंपल सी ट्रिक है, तो चलिए जानते हैं। मैंने एक अलग से फोल्डर बनाया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी मिस्टर बॉट के नाम से, और इसके अंदर एक मैंने फ़ोटो ली हुई है, ठीक है। इस फोटो के अंदर ये सभी फाइल्स को मैं हाइड करूँगा। तो कैसे करना है हाइड, उस चीज़ को हम जानते हैं। पहले तो मैं इसको वन या किसी भी शॉर्ट नेम से मैं इसको gg.jpg नाम से सेव कर देता हूँ, ठीक है, सेम एक्सटेंशन से, ताकि इसका नाम ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। अब मेरे को ये तीनों फाइल्स को, ये तीनों PDF मेरे को इसके अंदर हाइड करनी है। तो इसके लिए पहले हमें चलना होगा कमांड प्रॉम्प्ट पे, और यहाँ पे हमें कमांड प्रॉम्प्ट को रन एस एडमिनिस्ट्रेटर करके आपको रन करना होगा। जैसे आप इसको रन एस एडमिन करेंगे तो आपके सामने कंसोल ओपन हो जाएगा। कंसोल ओपन होने के बाद आप सभी को सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपके सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ से फाइल नेम एक्सटेंशन जो है डिसेबल होगा। आपको फाइल कुछ इस तरीके से शो हो गई, लेकिन आपको यहाँ से जो है इसको चेक करना है। और फिर यहाँ पे देखिए, चेक करते ही इसके एक्सटेंशन जो है फाइल्स के शो होने लगेंगे। लास्ट में PDF.jpg ये सभी जो है डेटा आपको शो होने लगेगा, ठीक है। अब मैं इस विंडो को यहाँ पर छोटी सी कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे मेरे को इन तीनों फाइल्स को सेव करना है इस फ़ोटो के अंदर। तो मैं सबसे पहले इन सभी फाइल्स को सिलेक्ट करूँगा और इसको ऐड टू आर्काइव, और यहाँ पे मैं कोई भी नेम दे देता हूँ, जैसे डेट सीक्रेट, ठीक है, सीक्रेट मैंने नेम दे दिया उसको और ओके कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, सीक्रेट नाम का ये फाइल जो है, तीनों फाइल इसके अंदर कंप्रेस हो गई है। अब मैं ऊपर की तीनों फाइल डिलीट कर देता हूँ, मुझे अब ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर ये कंप्रेस हो चुका है डेटा, देखिए मैंने ओपन करके दिखा दिया, मैंने फाइल को ओपन करके आपको दिखा दिया है इसके अंदर डेटा है। अब मेरे को ये डेटा इसके अंदर ट्रांसफ़र करना है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी लोकेशन को कॉपी करना है। यहाँ पर लोकेशन बार पर जाइए, कॉपी कर लीजिए इसकी लोकेशन अपनी डायरेक्टरी की। इसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट में आपको आना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है CD, ठीक है, और इसके बाद आप सभी को यहाँ पे पाथ जो है पेस्ट कर देना है, ठीक है। पाथ पेस्ट करने के बाद
इसमें कुछ ये एक्स्ट्रा हिस्सा है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, पाथ मैंने पेस्ट कर दिया है कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। अब मैं इस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। इस फोल्डर के अंदर ये दो फाइल है, gg.jpg secret.rar। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए मैं dir कमांड डालूँगा। तो देखिए यहाँ पे gg.jpg और secret.rar फाइल जो है यहाँ पे अवेलेबल है। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों फाइल को आपस में मर्ज करना है। तो इसके लिए कमांड है कॉपी स्पेस स्लैश बी, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश बी स्पेस। अब मेरे को क्या करना है, इस फोटो के अंदर ये वाला डेटा इधर ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे gg.jpg मैं यहाँ पे लिखूँगा, gg.jpg स्पेस प्लस का सिंबल स्पेस। अब यहाँ पे जो सेकंड फोल्डर है इसके अंदर मेरे को कॉपी करना है secret.rar। तो यहाँ पे इसी चीज़ को लिखना है मेरे को, secret.rar स्पेस। ठीक है, अब इसके आगे मेरे को इस फाइल का नाम दोबारा देना है जिसमें हमें इस फाइल को ट्रांसफ़र करना है। तो उस फाइल का नाम है gg.jpg और इसके बाद मेरे को कर देना है एंटर। तो ये देखिए हमारी कमांड जो है सक्सेसफुल रन हो चुकी है। अब यहाँ पे हुआ क्या है फ्रेंड्स, ये gg.jpg प्लस ये secret.rar ये दोनों फाइल आपस में मर्ज हो चुकी हैं। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट को कर देना है बंद। हमारा कमांड प्रॉम्प्ट का काम पूरा हो चुका है और इस फाइल को भी मैं कर देता हूँ डिलीट। मुझे इस फाइल की भी अब ज़रूरत नहीं है। अब मेरी सारी की सारी जो फाइल्स हैं वो इस फोटो के अंदर सेव हो गई हैं। ठीक है, अब मेरे को ओपन करना है। तो चलिए ओपन करके देखते हैं वाकई में सेव हुई है या नहीं। तो क्या करना है, बस लास्ट में आना है, jpg की जगह मेरे को क्या करना है, rar और कर देना है एंटर। परमिशन मांग रहा है यस नो की, यस कर देना है और एक बार जो है रिफ्रेश कर देना है। अब इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ। तो देखिए इसके अंदर मेरी तीनों की तीनों फाइल्स हैं। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और अब मेरे को इसको ओरिजिनल फॉर्म में लाना है ताकि ये फ़ोटो दिखे, किसी को लगे ना कि इसके अंदर कोई डेटा है। तो इसके लिए मैं jpg कर देता हूँ तो ये फाइल जो है अपनी ओरिजिनल इमेज में आ जाएगी। ठीक है, तो देखा फ्रेंड्स इस तरीके से हमने इसके अंदर डेटा सेव किया। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका WinRAR जो है अप टू डेट होना चाहिए। गूगल पर सर्च कीजिए WinRAR डाउनलोड। ठीक है, अपने सिस्टम के हिसाब से, विंडोज़ के हिसाब से आप डाउनलोड कर लीजिए। आपका 32 बिट है, 64 बिट, उसको डाउनलोड करने के बाद इन कमांड्स को आप अप्लाई कीजिए। तो इस तरीके से आप किसी भी इमेज के अंदर डेटा को हाइड कर सकते हैं, चाहे फ़ोटो हो, वीडियो हो, कोई भी फाइल हो। ठीक है, हर तरीके का डेटा जो है आप किसी भी इमेज के अंदर छुपा सकते हैं। फ्रेंड्स आप सभी को ट्यूटोरियल कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप सभी मिस्टर बॉट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सभी को सही टाइम पर मिल जाए। मैं चलता हूँ फ्रेंड्स और मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।